بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि मुबाशरत औरत के आगे करना चाहिए या औरत के पीछे के मकाम में करनी चाहिए। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्थुल लकुम फअतु हर्थुकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमु लिअन्फुसिकुम। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तो आओ अपनी खेतों में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम करो। और हदीस शरीफ में है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोहबत सिर्फ औरत के आगे के मकाम में होनी चाहिए, चाहे आगे से करे या पीछे से, दाएं करवट से हो या बाएं करवट से। जिस तरह कोई शख्स अपने खेत में जिस तरफ से आना चाहे आता है, उसी तरह उसकी बीवी उसके लिए खेत की मानिंद है। उससे हमबिस्तरी किसी भी जानिब से की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आगे के मकाम में ही होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।